और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। सालों से अपनी सेवा दे रहा मालिक रेडिक्स हेल्थ केयर ने अपनी बाहें और फैला दी हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस अब इस हॉस्पिटल ऑल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ की मिसाल पेश कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अब जनसेवा को और आगे बढ़ा दिया है। आमतौर पर अस्पतालों में बेड खाली ना होने की वजह से लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। ऐसे में लोगों की इस परेशानी को समझते हुए रेडिक्स हेल्थ केयर ने अपने अस्पताल में अब बेड की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी है। आज ईस्ट दिल्ली को एक 90 बेड का एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल मिला है और समझता हूँ ये सिर्फ एक 90 बेड का हॉस्पिटल ही नहीं है बल्कि एक ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों का और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का यहाँ पे जमावड़ा है इस रेडिक्स हॉस्पिटल में, जो कि ना सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि मैं देश भर के लोग जो दिल्ली आएंगे उनके लिए एक बहुत ही बेहतर जगह होगी जहाँ से उनकी समस्याओं का निदान हो। देखिए बेसिकली हमने 90 बेड्स का सेटअप बनाया है जिसमें सेकेंडरी केयर सारी चीज़ें करेंगे, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, फैकोस के ऑपरेशन हैं, आईज के ऑपरेशन हैं, पीडियाट्रिक सर्जरीज हैं, आईसीयू है, नर्सरी है। तो जितना भी एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में होता है ब्रेन और हार्ट की सर्जरी को छोड़ के प्रैक्टिकली अंडर वन रूफ हम सब कुछ करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और बेस्ट मशीन्स लगाई हैं ताकि पेशेंट्स जो हैं वो उनका इलाज जो है वो हम टेक्नोलॉजी से भी अच्छे से करें और प्रोफेशनलिज्म भी पूरा बना के हम उनका ट्रीटमेंट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर पेशेंट रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सो वी हैव ट्राइड टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। बहरहाल इस हॉस्पिटल को अब सभी आधुनिक तकनीकों से लैस कर दिया गया है, मसलन हेयर ट्रांसप्लांट, IVF, डेंटल जैसी सुविधाएं भी अब आपको यहां मिल जाएंगी। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट।